देखिए, थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में गाना खंडी गांव है, वहाँ पे गौकशी की सूचना मिली। SHO के साथ सब इंस्पेक्टर और 3 सिपाही मौके पर तत्काल पहुँचे थे। वहाँ के जंगलों में गौकशी करते हुए लोग पाए गए हैं। वहाँ के मौके पर कटी हुई गाय और मांस मिली है और एक जिंदा बछड़ा बंदी भी मिली है। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दिया है। इसी बीच में हमारे एक सिपाही बहादुर वतन पवार सिपाही, उन्होंने एक गौकश को पकड़ने में तुरंत पकड़ लिया था। बट इसी बीच में उसने शोर अल्लाह का फ़ायदा उठाते हुए कि उसने वहाँ जो गौकशी में इस्तेमाल किया जा रहा चूरी को लेकर तुरंत सिपाही के पेट में 3 बार वार कर दिया, जिससे वहीं सिपाही गिर गया था। तो फिर उधर जंगल के और भाग गया था और लगातार उधर वहाँ के उनके साथी फायरिंग भी कर रहे थे। इसी बीच में पुलिस अपने आत्मरक्षात्मक फायर करते हुए अपने जान को भी बचाते हुए अपने साथी जो नीचे गिर पड़ा है वे वतन पवार, उसको उठा के जिला अस्पताल ले गए और वहाँ से इसको देहरादून रेफर कर दिया गया है। वहाँ पे एक निजी हॉस्पिटल में अभी इसकी सर्जरी होगी। अभी फिलहाल बहुत ही उसका कंडीशन क्रिटिकल है, ICU में है। 48 घंटे के बाद ही डॉक्टर ने कहा कि कुछ कह सकते हैं उसकी क्या हालत रहेगी। इस बीच में यहाँ पे काफ़ी अन्य फोर्स को भी बुलाया गया था, कॉम्बिंग कराया गया था। उसे अंदर जो जंगलों में कॉम्बिंग के बाद एक लड़का वहाँ पे पड़ा मिला है, उसको तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया है। वो विरासत उर्फ मालूल पुत्र यामिन निवासी गाना खंडी का ही रहने वाला है, वो पाया गया है। वही बदमाश जो है सिपाही के पेट में जो चूरी मारा है और पुलिस की आत्मरक्षात्मक फायर में उसकी वहाँ पे घायल होकर गिर पड़ा था, तो वो हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। उनके परिवार वालों को सूचना भेज दी गई है, उसकी पोस्टमार्टम हो रहा है। बाकी अन्य जो फॉर्मेलिटीज़ है, जो लीगल चीज़ें हैं, जो स्टेट और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को जो हम लोगों को सूचना भेजना, वो भेजा जा रहा है। बाकी पूरा तरीके हम कर रहे हैं। अब अन्य जो 3 साथी उनको जो भागने में सफल रहे हैं, उनको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही पहचान में नहीं आ रहा था। बाद में काफ़ी आसपास के लोगों को बुला के पहचानवाया गया था ये जो विरासत को, और उनकी विरासत के साथी कौन कौन है यह हम जाँच कर रहे हैं। एक चीज़ ये ज्ञात हुआ है, विरासत के परिवार में भी गौकशी गौहत्या की मुकदमा इतिहास है, तो इसकी और गहनता से जांच कर रहे हैं। आगे की जो भी जानकारी होगी मीडिया को अपडेट कर दिया। सर, कि क्या किसी अन्य स्टेट से भी इस केस को हाथ मिला है क्या, कहीं और घटना करने का या नहीं? अभी देखिए, पहले तो जो मुठभेड़ में घायल बदमाश का पहचान ही नहीं हो पा रहा था। बाद में वहाँ के आसपास के लोकल गाना खंडी का गांव का ही था, वहाँ के प्रधान को बुलाया गया, वह पहचानवाया गया था। 3 और कौन थे इसके साथ में, अभी वो रिसर्च करना पड़ेगा, इनका CDR एनालिसिस करना पड़ेगा, तमाम अन्य जो सबूत इकट्ठे कर, तब जाके हम बता पाएंगे। इसमें अदर स्टेट या अदर डिस्ट्रिक्ट का कोई अभी जानकारी नहीं। पुलिस की एक बड़ी सफलता हाथ लगी सर, पूरी टीम को सर क्या? देखिए, एक तो हम वो वतन पवार सिपाही की जो हिम्मत है, जो धैर्य है, उसने जो अपने जान को जोखिम में डाल के ये काम किया है, उस पर हमें बहुत गर्व है। हमारे DIG महोदय, हमारे ADG मेरठ जोन महोदय, हमारे ADG लॉ एंड ऑर्डर महोदय, हमारे DGP महोदय तक इनका फ़ोन करके इनका हाल पूछा है और उच्चतम चिकित्सा सुविधा उनको उपलब्ध हो, और उसके लिए जो करना है उसे करने के लिए मेरे को आदेश और निर्देश मिला है हमारे DGP महोदय मुखिया UP पुलिस के तरफ से। और पूरा हम लोग जो गौकशी के खिलाफ जो अभियान है, लगातार ये जारी रहेगा और एक एक गौ पश को चुन चुन के हम जेल भेजेंगे। अब तक काफ़ी गैंगस्टर्स भी हमने इनके खिलाफ कायम किया है, इनमें पहले से ज़्यादा हम इस पर शक्ति करेंगे और सख्त कार्रवाई होंगे। नहीं, ये पहले तो ये पहचान में नहीं था, अभी तक इसके खिलाफ कोई अभी हिस्ट्री नहीं निकाल पाए हम लोग। इसके पारिवारिक हिस्ट्री पता सामने आई है। अन्य जो 3 लोग अभी भी अज्ञात में हैं, अभी इनके बारे में और पता करें। सिपाही की क्या हालत है? बहुत गंभीर है,
आईसीयू में एडमिट है, इसका इमरजेंसी सर्जरी हुआ है, पेट में इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से जो फ्लूइड एक्युमुलेट था उसको निकाल दिया गया है, ऐसे डॉक्टर ने कहा है। और अभी भी कोई भी उसको 48 घंटे के बाद ही उसके सिचुएशन के बारे में बता सकते। ठीक है, थैंक यू सर।